रावी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। हाँ रावी रावी आंसू निकालती है लोगों के खुद के नहीं निकलने देती, लेकिन हमने हमने जो अभी जो रिसेंट सीन शूट किया उसमें वो बाबा जी के दरगाह जाती है, वहाँ पे दुआ मांगती है कि उसका जो चौथा जो बच्चा होने वाला है वो सही सलामत आ जाए। तो उसको लगता है जैसे कि हम बोलते हैं कि जो गलत काम करते हैं उसका फल तो यही मिलता है, तो अब इस रावी के मन में डर है कि उसने जो भी कुछ गलत किया है उसका फल कहीं बच्चे को ना मिले, तो उसके लिए वो बाबा की दरगाह में जाती है, दुआ मांगती है कि उसको सही सलामत हो जाए, जो बच्चा सही सलामत हो। तो जो उसका पति है जगन उसको रिक्वेस्ट करती है कि मतलब किसी को अब किसी का खून करने का या किसी को मारने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो शायद बच्चे का सही। तो रावी रोने लगती है क्योंकि जगन बहुत खड़ूस है, बात नहीं मानता। बचाने हर माँ करती है ना ऐसा। आपका यहाँ पे कुछ रोल मतलब दूसरा बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बच्चों के लिए अच्छी बात दूसरों के बच्चों के लिए बहुत दूसरों के बच्चों के लिए इतनी ममता नहीं होती ना किसी किसी को। तो मैं उस टाइप की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसको जब अपने बच्चे पे बात आती है तो वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाती है अपने बच्चे के लिए। माँ है ना तो अपने बच्चे के लिए तो दुआ मांगनी है। और अब ये घर के काम को क्या उसने क्या है ना जब भी काम वाम की बात आती है ना तो मेरा रावी का मन नहीं करता काम करने का, और मन नहीं करता तो दिखावा तो करना ही पड़ता है और ड्रामा तो रावी को करना बड़ा अच्छा लगता है, तो वही कर रही हूँ। हाँ आप सभी दर्शकों को वारिस की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। Thank you. के बाद क्या हुआ?